सुमन देवी की दो बहुएं थी, बड़े बेटे सागर की पत्नी काजल और छोटे बेटे राहुल की पत्नी रूपा। सुमन देवी अपनी बड़ी बहू काजल के काले रंग रूप के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसकी बुराई करती रहती थी। वही छोटी बहू रूपा बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण वो हमेशा उसकी तारीफ ही करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन जमुना देवी उसके घर आती है। काजल उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। अरे वाह सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना तो अच्छा बनाती है, पर ये काली कलूटी बहू मुझे जरा भी पसंद नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहू से मिलवाती हूँ। ये अपने नाम पे गई है रूपा, एकदम रूपवान। रूपा, अरे ओ रूपा, देख कोई मिलने आया है। थोड़ी ही देर में रूपा अपना मेकअप करके वहाँ आ जाती है। ये देखो जमुना बहन, मेरी छोटी बहू रूपा, कितनी सुंदर है ना। हाय, किसी की नजर ना लग जाए इसे। हाँ हाँ सुमन बहन, सुंदर तो बहुत है, पर घर का सारा काम तो काजल बिटिया करती है। देख लो, एक बहू को नौकरानी और दूसरी बहू को महारानी बनाना कहीं तुझे महंगा ना पड़ जाए। तुम तो बस चुप बैठो, इसकी शकल है ही इतनी काली कि नौकरानी भी ना बनाए कोई। अरे सुमन बहन, रंग रूप में क्या रखा है? रंग रूप नहीं बल्कि लोगों की सीरत और नीयत अच्छी होनी चाहिए। इतना सुनते ही सुमन देवी बुरा सा मुंह बना लेती है और गुस्से में आकर काजल से बोलती है। अरे ओ कलमूही डंकनी, अब क्या मेरे सर पे ही खड़ी रहेगी? कितना सारा काम पड़ा है घर में, वो कौन करेगा? तेरा बाप। जी माँ जी, मैं जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बुला लेना। ठीक है सुमन बहन, अब मुझे भी चलना चाहिए, देर हो गई। ऐसा कहकर जमुना देवी वहाँ से चली जाती है और काजल भी अपना काम करने चली जाती है। काजल के काले रंग की वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी, लेकिन काजल चुपचाप उनकी सारी बातें सुनकर भी घर के काम करती रहती थी। और सुमन देवी का व्यवहार काजल के प्रति और खराब होता जाता है। मेरी रूपा, ये देख, मैं तेरे लिए पूरे 10,000 की साड़ी लाई हूँ। जब तू पहन के निकलेगी ना, सब कहेंगे इसका रूप तो और भी संवर गया। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। वो माँ जी, मेरे लिए भी एक नई साड़ी ला दीजिए ना। अरे कलमूही, तेरे लिए साड़ी लाऊं, वो भी मैं? चल जा और खाना बना जाके। काजल चुपचाप आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। ये सारी बातें काजल का पति सागर सुन लेता है और अपनी पत्नी से बोलता है। मुझे माफ कर देना, घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। मैं आज ही कोई घर किराए पर देखता हूँ, अब हम इन लोगों के बीच नहीं रह सकते। अरे सागर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और वो लोग सब मेरे अपने ही तो हैं, और अपनों की बातों का ना बुरा नहीं मानते। ये सुनकर सागर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। सागर, अरे राहुल, कहाँ हो तुम लोग? आए। उनकी रोने की आवाज सुनकर सब लोग उनके पास पहुँचती हैं। अरे माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे मेरे लाल,
सारे रुपए गहने चोरी हो गए। आए कितनी मेहनत से एक पाई पाई जोड़कर गहने बनवाए थे। हो ना हो, जरूर इस कलमूही ने ही चुराए होंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो कभी आपके गहने देखे तक नहीं हैं। हाँ माँ, आप हमेशा काजल को ही सताती रहती हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहकर सागर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राहुल और रूपा उसके पास आते हैं और कहते हैं, माँ मैंने पास में ही एक नया घर खरीदा है और अब हम वहीं रहेंगे। अरे बेटा, तुमने कभी बताया नहीं कि अलग रहने का प्लान बना रहे हो? वो क्या है ना माँ जी, आपको सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अपनी चहेती बहू और बेटे के जाने की बात सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। नहीं नहीं, मैं अपनी रूपा को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें समझाऊंगी, वो जरूर मेरी बात समझेंगे। अरे मैं कितना प्यार करती हूँ अपनी छोटी बहू रूपा से। हाँ, ऐसा सोचकर वो राहुल और रूपा के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन राहुल और रूपा के हंसने की आवाज सुन वो दरवाजे पर ही रुककर उनकी बातें सुनने लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा अपना घर होगा। हाँ हाँ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आपसे तो कभी घर बनता ही नहीं। अगर मैं माजी के पैसे और गहने आपको चोरी कर ना देती। उनकी बातें सुनकर सुमन देवी दंग रह जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अपनी चहेती बहू और बेटे के इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ सागर आ जाता है। वो तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर उनकी जांच करता है और कहता है, इनको हार्ट अटैक आया था, इनको किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी ये लीजिए चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ले जाओ सब कुछ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं माँ जी, आपको खाना खाना पड़ेगा, फिर दवाई भी तो लेनी है, ठीक कैसे होंगी आप? तभी वहाँ राहुल और रूपा सामान के साथ आ जाती हैं। माँ अब हमें निकलना होगा। हाँ माँ जी, ढेर सारा सामान है, पूरा दिन लग जाएगा शिफ्ट करते करते। अरे बेटा, कम से कम मेरी तबीयत ठीक हो जाने तक तो रुक जाते। अरे बहू रूपा। अरे माँ जी, आपकी सेवा करने के लिए जेठ जी और जेठानी जी है ना, फिर हम रुक कर क्या करेंगे? चलो जी, हम लेट हो जाएंगे वरना। अपने बेटे और चहेती बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और काजल की दिन रात सेवा और समय पर दवाई खाने से सुमन देवी जल्द ही ठीक हो जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि किसी के रंग रूप से किसी की सीरत का पता नहीं चलता।